गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 2 प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। प्रेरक प्रसंग से हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है। इन कहानियों को पढ़कर हम अपने जीवन के जीने का तरीका बदल सकते हैं, जिससे हम गलतियां करने से बच जाते हैं और अपना महत्वपूर्ण जीवन आनंद से जीते हैं। तो बेटा, इस कहानी में 4 महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में दिया गया है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पढ़ के बता रही हूँ, महापुरुषों के जीवन की अनेक घटनाएं सामान्य जन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। प्रेरणा का स्रोत मतलब उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलती है। प्रस्तुत पाठ में सम्मिलित महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से 2 प्रसंग उनकी सेवा भावना, उदारता और दानशीलता से उजागर करते हैं। इस कहानी में सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह के सेवा भाव के बारे में बताया गया है, उनकी उदारता, क्षमाशीलता और सेवा भाव को बताया गया है। महाराजा रणजीत सिंह अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्यार करते थे, वह हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे, तो उसी के बारे में यह कहानी बताई गई है। इस पाठ में दूसरे महापुरुष महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, वह अपने देश के सभी लोगों को अपना परिवार मानते थे, वह अपना सुख दुख दूसरों के सुख दुख को समझते थे, वह दूसरों के दुख सुख को ही अपना मानते थे, वह दूसरों की सहायता किया करते थे। तीसरे महापुरुष के बारे में बताया गया, वो तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर के बारे में बताया गया है। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी से छोटी चीज़ें भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ का अर्थ होता है बेटा बेकार ना जाए। उसके बाद चौथे महापुरुष यानी श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है। उनके बारे में तो आप सबको पता है कि श्री कृष्ण के जीवन की घटना सेवा भाव को महत्व को दर्शाते हुए इस कहानी में बताया गया है। तो इस पाठ में 4 महापुरुषों के जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए, मैं महाराजा रणजीत सिंह के सेवा भाव के बारे में पहले बताऊंगी। तो चलिए मैं कहानी यहाँ पढ़ना शुरू करती हूँ। महाराजा रणजीत सिंह अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ध्यान रखते थे। वे अधिकारियों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके संतुष्ट नहीं हो जाते थे। वे वेश बदल कर घूमते और प्रजा की कठिनाइयों की जानकारी स्वयं प्राप्त करते थे। मैंने बताया था ना, महाराजा रणजीत सिंह अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्यार करते थे। वे अपने अधिकारियों की बात पे तनिक भी सोचते नहीं थे, उनकी बात पे विश्वास नहीं करते थे कि उनके अधिकारी उन्हें सच बता रहे हैं या झूठ। इसलिए वह रात में वेश बदल करके अपने प्रजा के पास घूमते थे और उनकी कठिनाइयों की जानकारी खुद लिया करते थे। महाराजा एक दिन भिखारी के वेश में घूम रहे थे। रात का समय था, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति एक भारी थैला रखे बैठा है। उन्हें लगा उसे कोई कठिनाई है। महाराजा ने उसे जानना चाहा कि उसे क्या परेशानी है। वह बूढ़ा भला भिखारी वेशधारी महाराज को कैसे पहचानता? उसने उत्तर दिया, भाई मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, यह थैला भारी है, इसे ले जाने में कठिनाई है, इसलिए बैठा हूँ। महाराजा ने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताते चलिए, मैं यह थैला आपके घर पहुँचाए देता हूँ। भिखारी वेशधारी महाराज रणजीत सिंह ने वह थैला अपने कंधों पर लादकर खुशी खुशी वृद्ध के घर तक पहुंचा दिया। इस कार्य में उन्हें तनिक भी संकोच या लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। बेटा, वृद्ध का मतलब मालूम है, बूढ़ा व्यक्ति को हम लोग वृद्ध कहते हैं। संकोच का अर्थ होता है हिचकिचाहट, ठीक है।
उन्हें वो राजा थे लेकिन उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आया और हिचकिचाहट नहीं हुआ कि मैं राजा हूँ, मैं एक गरीब का थैला कैसे उठाऊँ, क्योंकि वो अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्यार करते थे। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। इनाम। लोग आज थप्पड़ के बदले गुस्सा और कंकड़ के बदले पत्थर मारकर बदला चुकाते हैं, लेकिन महान व्यक्तियों का तो स्वभाव ही अनोखा होता है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने सैनिकों के साथ एक बाग के पास से गुजर रहे थे। अचानक एक पत्थर का टुकड़ा महाराज के सिर पर आकर लगा, खून बहने लगा, पर महाराज ने कुछ चिंता ना की। सैनिक अपराधी को पकड़ने के लिए सब ओर फुर्ती से दौड़े और थोड़ी ही देर में अपराधी को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया। अपराधी भी भला कौन, एक बालक। बेटा फुर्ती का मतलब तेजी से, बहुत जल्दी, ठीक है। तो क्या महाराज अपराधी को देखकर क्रोधित हुए? बिल्कुल नहीं। पूछने पर महाराज को पता चला कि कई दिनों का भूखा वह बालक पेड़ पर पत्थर फेंककर अपने खाने के लिए फल तोड़ रहा था। वही पत्थर पास से गुजरते हुए महाराज के लग गया था। तब तो दयालु महाराज रणजीत सिंह ने उस बालक को दंड देने के बजाय पुरस्कार देकर विदा किया। सभी ने महाराज की उदारता और क्षमाशीलता की प्रशंसा की। सचमुच क्षमा और उदारता तो महापुरुषों के स्वभाव में बसी होती है। अच्छा बेटा ये बताइए कि महाराज ने उस बच्चे को पुरस्कार देकर क्यों विदा किया, क्यों नहीं उसे डांटा? इसलिए नहीं डांटा क्योंकि वह बच्चा भूखा था। उसे ये थोड़ी पता था कि वो पत्थर मारकर जो फल तोड़ रहा है तो वो किसी को लग जाएगी। उसे पता नहीं था, वो बच्चा अपना पेट भरने के लिए फल तोड़ रहा था, इसलिए महाराज ने उसे क्षमा कर दिया। ये उनकी बहुत बड़ी क्या थी, दानशीलता थी। उसने उस बच्चे को गलती को महसूस नहीं किया, वह सोचे कि वो बच्चा सही काम कर रहा था, वो अपने पेट भरने के लिए ही पत्थर चलाया था फल तोड़ने के लिए, ना कि महाराज को मारने के लिए। चलिए नीचे देखिए। 40 करोड़ कुर्ते। गांधी जी से मिलने एक बच्चा आया। उसने उन्हें कुर्ता ना पहनते देखकर पूछा, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने उत्तर दिया, बेटा मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो कुर्ते सिलवा सकूं। बच्चे को बापू पर तरस आया। वह बोला, बापू मेरी माँ कपड़े सिलती है, आपके कुर्ते मैं उनसे सिलवा कर ला दूंगा। बापू बोले, बेटा जितने कुर्तों की मुझे आवश्यकता है तुम्हारी माँ नहीं सिल पाएंगी। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं सिल पाएंगी बापू? आखिर आपको कितने कुर्तों की आवश्यकता है, 1, 2 या 3? बापू ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, बेटा इस देश में 40 करोड़ लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, उन सब के लिए भी तो कुर्ते चाहिए। उनके नंगे रहते भला मैं अकेला कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, सारा देश ही मेरा परिवार है। ऐसे थे बापू। जब देश की अधिकांश जनता को पहनने के लिए कपड़े ना मिलते हो तो वे अकेले कपड़े पहन सकते थे। जनता के सुख दुख को वे अपना सुख दुख समझते थे। बेटा आप सबने देखा, महात्मा गांधी जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते थे। देश में 40 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास कपड़े नहीं थे, तो महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर हमारे देश की जो गरीब जनता है वो कपड़े नहीं पहनती है तो मैं कैसे कपड़े पहन सकता हूँ, इसलिए वे कपड़े नहीं पहनते थे। अब नीचे आइए, इसमें तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर के बारे में बताया गया है। एक कटोरी पानी और सुई। तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर के बारे में प्रसिद्ध है कि जब वे भोजन करने बैठते तो अपनी पत्नी से एक कटोरी में साफ पानी और एक सुई अपने पास रखवा लेते थे।
कोई नहीं जानता था कि वे इन्हें क्यों रखवाते थे। जब पत्नी का अंतिम समय आया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी अब मेरा अंतिम समय है, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप भोजन के समय प्रतिदिन एक कटोरी पानी और एक सुई अपने पास रखवाते थे, इसका क्या रहस्य है? मैं जीवन भर ना जान सकी, क्या आप मुझे यह रहस्य बताएंगे? रहस्य का मतलब मालूम है बेटा, भेद होता है, राज होता है। तिरुवल्लुवर बोले, मैं भोजन के समय सुई और पानी इसलिए पास रखता था कि यदि खाते समय अन्न का एक कण भी नीचे गिरे तो उसे सुई से उठाकर पानी में साफ करके खा लूं। भोजन का एक कण भी क्यों बेकार जाए? पर तुम हमेशा इतनी सावधानी से खाना परोसती थी कि कभी एक कण भोजन भी नीचे नहीं गिरने दिया। इसी प्रकार हमें भी सदा ध्यान रखना चाहिए कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी बेकार ना जाए। तो इस कहानी से बेटा हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो उसे हमें बेकार यानी व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। चलिए नीचे देखते हैं कहानी, श्री कृष्ण द्वारा अतिथि सत्कार। अतिथि का अर्थ आप समझते होंगे, अतिथि मेहमान को कहते हैं, ठीक है। और सत्कार यानी कि सेवा भावना, अतिथि के सेवा भावना करना, ठीक है। अब आगे पढ़ाती हूँ। युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया, दूर दूर देशों से राजाओं ऋषि मुनियों को इस समारोह में बुलाया गया। सब कौरवों पांडवों और सगे संबंधियों को अलग अलग काम सौंप दिए गए। सबसे बाद में आए कृष्ण। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मुझे भी कुछ काम बताइए। युधिष्ठिर बोले, सब काम सौंपे जा चुके हैं, आप विश्राम कीजिए। विश्राम का अर्थ आराम करना। उन दिनों घर पर आने वाले अतिथि के पैर धोकर अतिथि सत्कार करने की प्रथा थी। श्री कृष्ण ने देखा कि अतिथियों के पैर धोकर सत्कार करने का काम अभी किसी को नहीं सौंपा गया है। अब श्री कृष्ण बैठे न रह सके, युधिष्ठिर के मना करने पर भी उन्होंने अतिथियों के पैर धोकर सत्कार करने का काम सहर्ष संभाल लिया। इस काम को उन्होंने छोटा नहीं माना और ना ही इसे करने में किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव किया। सचमुच बुरे काम तो बुरे होते हैं, पर अन्य कोई भी अच्छा काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इन्हें करते हुए संकोच नहीं करना चाहिए। तो बेटा श्री कृष्ण की ये जो घटना था, अब अतिथि सत्कार करना पैर धोने के बाद, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। जो भी आप काम करते हो वो अच्छा होता है। हमें कोई भी काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा है। ईमानदारी के साथ बिना हिचकिचाए हुए भी, बिना लज्जा और शर्म के हम कोई भी काम कर सकते हैं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काम ईमानदारी से हो। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सबको प्रेरक प्रसंग कहानी समझ में आ गया होगा। इस कहानी में चार महापुरुषों के जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। इसे हमें अच्छी सीख मिलती है। आप इसे एक दो बार पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।